बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर 14 है जो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपने 9th और 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। अब उसने कुछ पॉइंट्स उसने एक्सप्लेन किए थे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो पॉइंट्स क्या थे कि एटम बहुत स्मॉल टीनी पार्टिकल होता है जिसका पॉजिटिव पार्ट और ज़्यादातर मास जो होता है वो सेंटर पे लाया करता है। उस सेंटर पार्ट को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर प्रेजेंट होता है, मीन्स के न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करते हैं। आफ्टर द कोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। जस्ट लाइक सोलर सिस्टम द न्यूक्लियस लाई इन द सेंटर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन देयर ऑर्बिट्स। ठीक है, अब इसने कहा कि जिस तरह एक सोलर सिस्टम में इसी तरह एटम भी इसी तरह बिहेव करती है जिसमें सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द क्या है, रिवॉल्व। अब ये इसने शो भी किया कि जिस तरह एक सन के गिर सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के गिर सारे इलेक्ट्रॉन के होंगे रोटेट करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली अब क्या हो? अब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले क्या है, द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। कि जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अब वो स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबल इन अ सेंस कि ज़रूरी नहीं है वो एक ही ऑर्बिट के गिर मूव कर रहा है तो वो एक ही ऑर्बिट में रहे, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे उसने क्या बताया हुआ है कि जिस वक्त वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, मीन्स वो एक ही सर्कल के में गिर नहीं रहेगा। अगर एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, अब वो मूव कर रही है, उस बॉडी की कोई एक्सेलरेशन भी है, तो एक्सेलरेशन के दौरान क्या होगा कि मूविंग पार्टिकल जो है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कुछ एनर्जी रेडिएट करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। अब कुछ ना कुछ वो एनर्जी अपनी दे रहे हैं। अब जिस तरह एक बॉडी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली दे रही होगी तो एक लेवल आएगा जहाँ पे उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। उस सूरत में क्या होगा, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इन टू द न्यूक्लियस। अब पहले आपने पॉइंट क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या स्टेबल नहीं है, वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। अब जिस वक्त इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी कुछ ना कुछ दे रहा होगा। अब जिस वक्त वो एनर्जी दे रहा है तो इट्स मीन कि उसकी एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है। अब एक लेवल ऐसा आएगा जिस वक्त वो सारी एनर्जी क्या कर देगा, अपनी लूज कर देगा और एंड पे क्या होगा, वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। अब यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा सेंटर पे उन्होंने पॉजिटिव कहा है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को कहा है और साथ में इसका पाथ बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है। ठीक है, इस पाथ के अकॉर्डिंग, और क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, होना भी चाहिए, ऑपोजिटली चार्जेस हैं। तो एक लेवल ऐसा आएगा कि मूविंग पार्टिकल, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी एनर्जी सारी लूज कर देगा और फाइनली वो क्या हो गया, न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। अगर ऐसा ही होता है जैसा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बताया गया या उसके डिफेक्ट्स में ही आता है, अगर ऐसा होता है तो इट्स मीन कि वो एटम इतना स्टेबल है ही नहीं है, वो अनस्टेबल है और मैटर की वो फॉर्म जो जिसको हम जानते हैं वो ये नहीं है। ठीक है, इट्स मीन कि हर एटम जो होगा वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज द इलेक्ट्रॉन स्पायरल इनवर्ड देयर एंगुलर वेलोसिटीज एंड फ्रिक्वेंसी वुड चेंज कंटिन्यूसली एंड सो विल फ्रिक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इमिटेड। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली इनवर्ड मूव करता जा रहा है, न्यूक्लियस की तरफ मूव करता जा रहा है। ठीक है, उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, कुछ फ्रिक्वेंसी भी होगी जो वो चेंज करता जाएगा। ठीक है, और एनर्जी भी इमिट करेगा। अब एनर्जी क्यों इमिट करेगा, जिस तरह क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज कर रहा है। अब वो एनर्जी
लूज जो होगी वो एज एनर्जी इमिटेड की फॉर्म में होगी। अब वो जो एनर्जी इमिट हो रही है वो स्पेक्ट्रम देगी। दस दे वुड इमिट अ कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम इन कंट्रास्ट टू लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली ऑब्जर्व। अब जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था वो क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम था। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें कलर्स के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री आती है, ठीक है। और कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें बाउंड्री नहीं आती, जिस तरह रेनबो होता है, या ये जो फिगर आपके सामने बनी हुई है पिक्चर, ये क्या है, किसकी एग्जांपल है, कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम की है, ठीक है। यहाँ पे कलर डिफरेंस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली इनवर्ड मूव कर रहा है, तो वो इनवर्ड मूव करेगा तो वो एनर्जी को लूज करेगा। ऐसे भी आपको ये स्टडी किया हुआ है कि जिस वक्त इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देते हैं, सेंटर को हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और शेल इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जिस वक्त एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, एनर्जी जो इसने लूज की है वो क्या होगा, इमिट होगी। अब ये जो इमिट हुई एनर्जी है, इसके इन्होंने बात की है कि ये इसको कौन सा स्पेक्ट्रम देना चाहिए था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या दे रहा है, ये लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम वो होगा जिसमें कलर के दरमियान बाउंड्री होगी, एक कलर दूसरे कलर से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब ये सारे इसके क्या हैं, डिफेक्ट्स हैं। अब इसके पास नील बोहर ने इन डिफेक्ट्स को ओवरकम या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। नील बोर, अ डैनिश फिजिस्ट स्टडी इन रदरफोर्ड लेबोरेटरी सिंस 1912, ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड प्रेजेंटेड बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब उसने क्या किया था, इसी एक्सपेरिमेंट की मॉडिफिकेशन की थी और उसके इसके अकॉर्डिंग की थी, हाइड्रोजन एटम को उसने एज अ मॉडल पेश किया था, जिसको क्या कहा जाता है, बोहर एटॉमिक मॉडल। ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1922, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है बोहर एटॉमिक मॉडल का, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल इन एन एटम विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द इनके स्पेसिफिक ऑर्बिट या फिर जिसे शेल कहा जाता है उसमें ये मूव करते रहेंगे, ठीक है। अब ये फिगर में आपको बताया भी हुआ है, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल है, या उसको आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड शेल है, n इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द अपनी एक मखसूस एनर्जी में वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ शेल इट नेवर गेन अ लूज एनर्जी। दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि जिस वक्त तक एक इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर रहेगा तो वो ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही वो एनर्जी लूज करेगा। एक शेल के अंदर रहेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, स्पेसिफिक होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर विद इन द ऑर्बिट ओनली ड्यू टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल। अब एनर्जी वो गेन करेगा या वो लूज करेगा, किस वक्त, जिस वक्त वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को आप शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर शेल अपने से अगले शेल पे आया, नीचे वाले शेल पे आया इस पे, ठीक है, तो क्या करेगा, इसके पास एनर्जी थी तो ये एनर्जी रिलीज करके इमिट करके इस शेल में आए, ठीक है। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जा रहा है, इस शेल में जा रहा है, तो ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब अगले से अगले लेवल पे जाएगा। समझ आ गई है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है एन इज इक्वल टू 1 कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट शेल है, n इज इक्वल टू 2 ये सेकंड शेल है, जिस वक्त n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे जाएगा, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ है, ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी को क्या कर रहा है, करेगा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 2 ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जिस वक्त तक एक शेल के अंदर रहेगा तो वो ना एनर्जी लूज करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा, वो उस वक्त गेन और लूज करेगा जिस वक्त वो अपना शेल चेंज करेगा, ठीक है। ये इसका थर्ड पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई,
ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एन एच बाई टू पाई। अब आपको पता है कि जिस वक्त एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, उसके कुछ वेलोसिटी भी होगी, उसका कुछ मास भी होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, मोमेंटम कहा जाता है। अब वो जिस पाथ पे होगा वो उस पर भी डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को हम फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम एक इलेक्ट्रॉन ही बना देते हैं, किसी स्पेसिफिक शेल में वो मूव कर रहा है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे सेंटर पे इसको न्यूक्लियस मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जिस वक्त रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसकी कुछ कोई मास भी होगा, ठीक है, और किसी वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं, मोमेंटम, ठीक है, आप इसको लिख दो एम वी आएगा। अब वो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, जिसको आप क्या मेंशन कर देते हो, आर। तो एज अ होल इन्होंने लिखा हुआ है द एंगुलर मोमेंटम एम वी आर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड अपॉन इट्स क्वांटम नंबर एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर। किस पे डिपेंड करता है, क्वांटम नंबर। अब बच्चों यहाँ पे क्वांटम नंबर आपको क्योंकि वो बहुत लेंथी टॉपिक है, तो हम इसी चैप्टर में है क्वांटम नंबर, तो हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करके हम फिर बोहर के फोर्थ पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। एन क्या हो सकता है, वन टू थ्री फोर। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब एंगुलर क्वांटम नंबर भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, प्लैंक्स कांस्टेंट भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्या एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, एन एच बाई टू पाई, और एन क्या हो सकता है, वन टू थ्री फोर। इट्स मीन कि एन कोई भी शेल हो सकता है, ठीक है। अब चार पॉइंट्स इसको बताए हुए हैं बोहर के। पहला क्या था कि इलेक्ट्रॉन सेंटर में मूव कर, इलेक्ट्रॉन सॉरी शेल में मूव करता रहेगा, जब तक वो एक शेल में मूव करेगा तो ना वो एनर्जी रिलीज करेगा ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जिस वक्त वो एनर्जी रिलीज करेगा या फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब वो अपना शेल चेंज करेगा, ठीक है। अब जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम भी है, जो किसके इक्वल है, एन एच बाई टू पाई के इक्वल है, ठीक है। इस लेक्चर में आपने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स पढ़े हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर आपने क्या पढ़ा है, नील बोर एटॉमिक मॉडल है कि उसने जो डिफेक्ट्स थे उनको आंसर करने की इसमें कोशिश की है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको रिवाइज करना है। थैंक यू।